हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अगेन अपने वेस्ट मटेरियल से जो मैंने पॉट्स बनाया है उनको शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कोशिश है एक छोटी सी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो वेस्ट निकलता है, प्लास्टिक वेस्ट, किचन वेस्ट, उसको मैनेज करके उसी में मैं अपने गार्डनिंग के शौक़ को पूरा करूँ। रीज़न बार बार एक चीज़ शेयर करती हूँ आपके साथ में कि ऐसा नहीं है कि हम पॉट्स ले नहीं सकते, लेकिन मेन मोटिव है कि जो अपने घर में बहुत सारा ऐसा वेस्ट होता है जिसको हम थोड़ा सा मॉडिफाइड करके अपने प्लांटर्स बना सकते हैं और उनके अंदर प्लांट्स लगा सकते हैं और बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। ये चीज़ मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करती रहती हूँ। तो देखिए, अभी मैंने ये दो प्लांटर बनाए हैं जिसमें अगेन वेस्ट मटेरियल यूज़ किया है। ये प्लास्टिक बॉक्स हैं जिन पर मैंने कपड़े को थोड़ा सा चोटी बनाकर को कपड़े की गुथ कर मैंने इस पर चिपका दिया है। इसी तरीके से मैंने ये बनाया है और देखिए कितना अच्छा ये लुक दे रहा है। इसके अंदर मैंने जो लगाया है प्लांट वो है अम्ब्रेला पाम। अम्ब्रेला पाम मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ कि पानी में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। बेसिकली ये प्लांट जो है पानी का ही है। पानी जितना ज़्यादा इसको पानी मिलेगा उतना ही ये अच्छा ग्रोथ करेगा और ये वाटर प्योरीफाइंग का भी काम करता है। तो अगर आपके पास में वाटर बॉडीज़ हैं तो आप उनमें इस प्लांट को ज़रूर लगाइए, बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। अभी ये बहुत छोटा सा है क्योंकि इसकी पुरानी लीव्स ख़राब हो गई थी तो जो मैंने काट दी थी। ये पहले सॉइल में लगा हुआ था, तकरीबन 1.5 महीने से ये पानी में लगाया है और अब इसके अंदर न्यू लीव्स निकल रही हैं और ये धीरे धीरे करके बड़ी हो जाएंगी। तो मुझे ये इंडोर पानी में ही रखना था तो उसके लिए मैंने ये प्लांटर्स बनाए हैं। बनाए कैसे हैं और क्या यूज़ किया है जस्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, इसके लिए तीन चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो फेविकॉल की, एक पुराने प्लास्टिक कोई भी घर में पड़ा हुआ कोई भी आप इस तरीके का डब्बा ले सकते हैं। एंड ये मैंने पतली पतली स्ट्रिप्ड काट कर इनकी चोटी गूंथ ली है। ये मैं बता दे रही हूँ आपको कि किस तरीके से गूंदना है। जैसे हम लोग अपनी चोटी बनाते हैं उसी तरीके से मैंने कपड़े की चोटियाँ बना के इस तरीके से एक रस्सी टाइप की तैयार कर ली है। और ये प्लांटर बहुत ही मजबूत और ड्यूरेबल रहने वाला है। आप इसको आराम से वॉश भी कर सकते हैं अगर आप इसको ढंग से चिपका देते हैं। एंड फेविकॉल की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं जस्ट आपको स्टार्ट करती हूँ कि कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले तो हमें इस तरीके की पतली पतली किसी भी पुराने कपड़े से स्ट्रिप्ट काट लेनी है और काटने के बाद में थ्री लेनी है क्योंकि चोटी हमेशा थ्री उससे गूंथते हैं हम लोग। तो इन तीनों को चाहें तो आप इसको यहाँ पर हल्की सी गांठी लगा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। और एक बार ये गूंथ जाएगी तो उसके बाद में देखिए इस तरीके से आप एक साइड में इस तरीके से लेते हुए एक मिनट आप यहाँ पर गांठ लगा लीजिएगा क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस है तो मैं इजीली बना लेती हूँ। देखिए, इस तरीके से इसको हम बनाते हुए चले जाएंगे। एंड अगर आपको ये चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है तो आप इस तरीके की पतली पतली स्ट्रिप्ट काट सकते हैं। और काटने के बाद में देखिए क्या करना है। मैंने तो ये इस तरीके से चोटी बनाई है और नहीं तो आप ये पतली स्ट्रिप्ट लीजिए और इसको हल्का सा इस तरीके से घुमाते हुए आप पॉट्स पर रोल करते हुए जा सकते हैं। जैसे देखिए मैंने एक ही पॉट लिया है ना, इसको इस तरीके से फेविकॉल लगा लीजिए और इसको उसको राउंड राउंड करते हुए और इस तरीके से चिपकाते हुए जा सकते हैं। तो मैंने छोटी बनाई हुई है, बस मैं जस्ट शो कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से उसको चिपका रही हूँ। देखिए, मैंने इस पर ये फेविकॉल लगा लिया है और मैंने इस वाले हिस्से से यहाँ से लगाया है क्योंकि पहले मैं यहाँ से इसको चिपका रही हूँ। तो ये मैंने जो गुथी हुई चोटी है इसको यहाँ से टक कर दूंगी और करने के बाद में इसको मैं चिपकाते हुए चले जाऊंगी चारों तरफ से। इसको आप थोड़ा सा खींच के लगाइएगा जिससे कि इसका ये जो भी हम कपड़ा इसमें लगा रहे हैं वो एकदम से टाइट रहे और बहुत अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए। तो इस तरीके से हम इसमें गोल गोल घुमाते हुए देखिए इस तरीके से हम चिपकाते हुए चले जाएंगे।
बहुत ही आसान है, आप अगर बनाएंगे तो आपको 5 मिनट लगेगा टोटल इसको बनाने में बस। हाँ, इसकी चोटी गुथने में थोड़ा टाइम लगता है, तो जब भी आप फ्री बैठे हैं तो इस तरीके से आप कपड़ों से चोटी बना सकते हैं। देखिए, मैंने ये पूरे पे चिपका लिया है फेविकॉल से, और अब ये वाला हिस्सा रह गया है, यहाँ पर मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ये सरफेस थोड़ा स्लोपी होता है तो यहाँ पर चिपकता नहीं है ढंग से, तो यहाँ मैं एकदम प्लेन छोड़ूंगी। और एक्रेलिक कलर से मैं यहाँ पर डॉट डॉट या कुछ बनाने वाली हूँ, और इस वाले हिस्से पर अभी इसी तरीके का जो मैंने बनाया हुआ है वो मैं लपेट के आपको दिखाती हूँ। और थोड़ा सा हिस्सा मैंने ये नीचे वाला भी प्लेन छोड़ दिया है, इसको भी मैं हल्का सा कलर कर दूंगी। तो देखिए, तीन चीज़ हम लोगों ने बचाई, एक तो देखिए वेस्ट कपड़ा यूज़ किया, वेस्ट डब्बा यूज़ किया, और एक हम जो पेंट करते हैं ना हर चीज़ को, ऑयल पेंट करते हैं प्लास्टिक कंटेनर्स को, तो उससे बचत मतलब बचाया हो, तो क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं केमिकल होता है, एनवायरनमेंट को थोड़ा सा हार्म करता है, तो वो मैं यूज़ थोड़ा कम करती हूँ, बहुत ही कम क्वांटिटी में मैं यूज़ करती हूँ ऑयल पेंट को अपने पॉट्स पर, तो वो मैंने नहीं किया। और वेस्ट, टोटली वेस्ट मटेरियल से देखिए ये पॉट बनकर रेडी हो रहा है, तो इसको कंप्लीट करके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, ये नीचे रेडी हो गया, अब मैं इसके ऊपर मैंने फेविकॉल लगा लिया है, और ये वापस से इस चोटी को जो मैंने गुथी है कपड़े से, वेस्ट कपड़े से, इसको मैं वापस से इस पर इस तरीके से लगाते हुए चिपका दूंगी अच्छे से। फ्रेंड्स, आप बना के देखिएगा, बहुत ही आसान है, और सबसे बड़ी बात है कि हम जो चीज़ कर रहे हैं एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए वो अपने आप में बहुत ही आत्मसंतुष्टि देने वाली है। तो ये आप चीज़ करके देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। काफ़ी लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि क्या है वेस्ट को इस तरीके से करना, इससे अच्छा तो खरीद के ले आइए पॉट। तो देखिए, जिस तरीके से हम अपने बच्चों को अपने हाथ से कुछ बनाकर पहनाते हैं और जो खुशी होती है ना, सेम आप अपने प्लांट्स के लिए पॉट्स रेडी करके प्लांट्स लगाकर देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या वैल्यू होती है इस चीज़ की। तो मैं कर रही हूँ पिछले 1.5-2 साल से, इसलिए मुझे पता है कि कितना अच्छा लगता है इस तरीके से जब हम प्लांट्स लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपने एनवायरनमेंट को सेव किया और अपने क्रिएटिव आइडियाज से सुंदर सुंदर पॉट्स तैयार किए और नेचर को सेव किया। देखिए, ये पूरा अच्छे से यहाँ पर मैंने फिक्स कर दिया है, और फेविकॉल जैसे आपको पता है मैंने इसमें यूज़ किया है, और वैसे भी कहा जाता है कि फेविकॉल का मजबूत जोड़ है टूटेगा नहीं, तो इस पर बहुत अच्छे से फेविकॉल। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है कि थोड़ा सा फेविकॉल पानी के अंदर घोल के और ब्रश से उसको इसके ऊपर लगा देना है, तो जो भी कहीं हल्का फुल्का रह भी गया होगा ना, जहाँ से ये चिपका नहीं होगा वहाँ अच्छे से ये चिपक जाएगा, और इसका ड्यूरेबिलिटी जो है बहुत लॉन्ग टाइम तक के लिए बढ़ जाएगी। इसको हम वॉश भी कर सकते हैं क्योंकि फैब्रिक है, ऐसे कुछ ख़राब नहीं होगा। और मैं इस पर कलर नहीं कर रही हूँ कोई भी, नहीं तो मैंने एक पॉट पर इस तरीके से भी किया है कि उसके अंदर थोड़ा सा कलर मिला के, एक्रेलिक कलर मिला के पानी के साथ और फेविकॉल के साथ वो किया है, तो उसका टेक्सचर थोड़ा डिफरेंट हो गया है। बट मैं इस पर इसलिए ही नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो ये वाइट वाइट स्पॉट आ रहे हैं ये डेनिम वाला लुक दे रहे हैं और बहुत खूबसूरत लग रहा है। जैसे देखिए, इस पर मैंने फेविकॉल का कर दिया है, तो देखिए आप इसका कलर देख रहे होंगे थोड़ा सा डार्किश हो गया है, और ये देखिए थोड़ा लाइट लग रहा है। तो अगर हम फेविकॉल के साथ मिक्स करके इसको कर देंगे तो ये बहुत अच्छा लुक देगा और आपका पॉट जो है बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो फ्रेंड्स, बस इसी तरीके के आप अपने वेस्ट मैनेज कर सकते हैं तरह तरह के आइडियाज से, और अपनी नेचर को सेव कर सकते हैं। देखिए, मैंने फेविकॉल घोल लिया है एक बाउल के अंदर, और बस इसको हल्के हाथ से इसके ऊपर लगा देना है। इससे बस ये होगा, एक तो इसके अंदर मजबूती आ जाएगी और उसकी वजह से ये जो हमारा पॉट है एकदम से काफ़ी टाइम तक अच्छे से चलेगा, इस पर से ये हटेगा नहीं। एंड सेकंड, इसका जो ये कलर है, क्योंकि पुराना कपड़ा था तो हल्का सा फेडेड है, तो ये डार्कर हो जाएगा थोड़ा सा, तो इसका लुक भी एकदम से चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लगा लीजिए अपने कोई भी ब्रश की सहायता से इसको। देखिए, ये एकदम रेडी हो गया है, आपका एक पुराना सा बॉक्स
पुराना सा डब्बा जो था एकदम से आपका खूबसूरत पॉट बन गया, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसी तरीके से देखिए वेस्ट मैंने एक मटकी दही का कप था इसको किया है, इसी टी शर्ट को इसमें रोल रोल करते हुए इसमें लपेट दिया है। एंड उसके बाद फेविकॉल में 2 ड्रॉप एक्रेलिक कलर मिला के ग्रीन इसके ऊपर किया, तो इसका जो पुराना फेडेड कलर था वो बिल्कुल छिप गया है। एंड फाइनली आफ्टर दैट जो येलो कलर एक्रेलिक होता है वो हल्का सा फिंगर पर लेकर और इस तरीके से टैप 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 करके पूरा लगा दिया है। तो देखिए एक ये एक पॉट तैयार हो गया। अब 2 ऑप्शन है, इसमें हम प्लांट्स डायरेक्ट लगा सकते हैं या फिर पानी वाले प्लांट्स जो हैं वो लगा सकते हैं। इस तरीके से हम अपना वेस्ट मैनेज कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू, आपका एक लाइक एनकरेज करता है आगे इसी तरीके की वीडियोज़ बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।